तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे BBS के बारे में। क्या BBS के बारे में, BBS हमें क्यों ज़रूरत होती है, क्यों बनाना पड़ता है और कंस्ट्रक्शन साइट पर इसका क्या ज़रूरत होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इसमें जानेंगे और एक छोटे से एग्जांपल को लेकर भी समझेंगे कि हमारा जो BBS होता है उसे किस तरह से बनाया जाता है। तो पहले समझते हैं कि BBS हम क्यों बनाते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि जो BBS हमारा, BBS का फुल फॉर्म क्या होता है, बार बेंडिंग शेड्यूल। क्या बार बेंडिंग शेड्यूल, बार बेंडिंग शेड्यूल। BBS का फुल फॉर्म हमारा होता है बार बेंडिंग शेड्यूल। इसे हम लोग क्यों करते हैं, क्या जरूरत है हमें इसे करने की। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा वो क्या हो गया, टू गेट एग्जैक्ट क्वांट कटिंग लेंथ। क्या टू गेट एग्जैक्ट कटिंग लेंथ। BBS हम लोग करते हैं टू गेट एग्जैक्ट कटिंग लेंथ, एग्जैक्ट कटिंग लेंथ को प्राप्त करने के लिए। उस चीज में BBS में हम जो टू गेट एग्जैक्ट कटिंग लेंथ ऑफ स्टील। क्या कटिंग लेंथ ऑफ स्टील, हम लोग मेन जो हमारा होता है कटिंग लेंथ, कि हमारा जो प्रॉपर शेप है किसी भी चीज़ का। जैसे अगर हम बीम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो बीम का जो कंक्रीटिंग करने के बाद जो हमारा शेप आएगा प्रॉपर, वो आना चाहिए। तो वो कब आएगा, जब हमारा कटिंग लेंथ सही होगा तो हमारा बीम का जो कंक्रीटिंग करने के बाद शेप हमारा सही आएगा। नेक्स्ट जो हमारा रीज़न होता है इसे करने का वो क्या होता है, रिड्यूस वेस्टेज। क्या रिड्यूस वेस्टेज ऑफ स्टील, वेस्टेज ऑफ स्टील, स्टील या रेनफोर्समेंट। क्या होता है इससे हमारा क्या होता है, वेस्टेज भी कम हो जाता है, क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से कटिंग होगी तो हमारा जो स्टील होगा वो वेस्टेज होने से बच जाएगा। अगर हमारा कटिंग लेंथ पता नहीं होगा तो क्या होगा, मिस्त्री या फिर जो हमारा लेबर होगा कभी ज़्यादा कट कर देगा, कभी कम कट कर देगा, तो उससे हमारा वेस्टेज होता है। तो इससे क्या होता है, हमारा वेस्टेज भी रिड्यूस होता है। नेक्स्ट जो होता है सबसे मेन वो होता है टू गेट या फिर टू कैलकुलेट एग्जैक्ट क्वांटिटी। क्या एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ स्टील, टू गेट एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ स्टील। कोई भी कंस्ट्रक्शन में जो हमारा सरिया यूज हो रहा है वो कितना यूज हो रहा है उससे हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी पता चलती है BBS से, कि कितना केजी सरिया यूज़ हो रहा है, कितना ज़्यादा कितना कम वेस्टेज हो रहा है, कितना कटिंग लेंथ है, वो सारी चीज़ें हमें क्या होती है BBS से पता चलता है। BBS जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे फ्रेशर्स के लिए, जो अभी नए नए साइट पर गए हैं उनसे कंपनी क्या करती है BBS बनवाने की कोशिश भी करती है कभी, उनको सिर्फ नॉलेज चेक करने के लिए। तो उस चीज़ को आप यहाँ से समझें, मेन पॉइंट आपका सबसे पहले कटिंग लेंथ, फिर वेस्टेज को रिड्यूस करता है, एंड द नेक्स्ट वन इज क्वांटिटी। क्या एग्जैक्ट क्वांटिटी हमें इससे पता चलती है, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं। अब थोड़ा सा हम समझते हैं एक छोटे से बीम का एग्जांपल लेकर कि किस प्रकार से हमारा जो BBS होता है वो। हम सिर्फ देखेंगे कि ये बीम जो है, बीम जो हमारा टोटल लेंथ होगा वो कितना 400 होगा और कवर माइनस करने के बाद 300 लेंगे। तो जो टोटल हमारा जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो कवर माइनस करने के बाद 350 लेंगे। जब हमारा फॉर्मूला यूज होगा 2/3 इंटू डेप्थ, तो डी हमारा कितना होगा 350 होगा। और जब हम लोग ये यूज़ करेंगे स्टीरअप्स यूज़ करेंगे तो ये हमारा पूरा जो डेप्थ होगा वो 400 लेंगे, और इसके बाद कवर माइनस करने के बाद इसमें भी क्या होगा, हमारा ये जो लेंथ आएगा ये 350 आएगा। तो आगे की कैलकुलेशन में सारा इसके अकॉर्डिंग आपको करना है। स्टीरअप्स आप चेक कर लेंगे, उधर थोड़ा सा मिस्टेक है, उसे आप लोग प्रॉपर तरीके से देख लेंगे, बाकी ये कैलकुलेशन ठीक है। बस डेप्थ 400 होगा और कवर माइनस करने के बाद 350 आया है जो कैलकुलेशन में। तो अभी हमने देखा कि BBS क्या है, मैंने फिगर बना दिया यहाँ पर ताकि कम से कम टाइम लगे आपको समझने में। तो चलिए अब देखते हैं कि इस बीम के अकॉर्डिंग हमारा जो BBS होगा वो किस तरह से तैयार करेंगे। तो ये हमारा एक बीम है जिसका जो लेंथ है वो 3000 mm है, यानी कि 3 मीटर, और इसमें सरिया जो गिवन है, जो हमारा टॉप बार है वो 16 mm डाया का है, और जो नीचे हमारा बॉटम बार है वो 12 mm डाया का दिया हुआ है। इसका जो विड्थ है वो 350 mm गिवन है।
अब हम देखेंगे कि इसका जो ये सरिया यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है इसका कितना कटिंग लेंथ होगा, कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे। चलिए देखते हैं इसका कटिंग लेंथ। ये हमारा क्या है, इसमें देख सकते हैं स्टीरअप्स का यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है जिसमें 350 हमारा विड्थ है और 240 लेंथ एंड विड्थ गिवन है। यानी कि अगर लेंथ और विड्थ कम है मतलब क्या है, ये एक रेक्टेंगल है यानी कि रेक्टेंगल स्टीरअप्स है। तो यहाँ पर हम लोग इस सरिये का कटिंग लेंथ निकालते हैं। चलिए देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो लेंथ है ये कितना है टोटल बीम का, 3000। तो पहले हम लोग 3000 लिखते हैं। फिर ये डिस्टेंस से ये इतना जो हमारा डिस्टेंस है ये हमारा कवर होगा। कवर से रेनफोर्समेंट तक प्रोवाइड पहुँचने तक के लिए हमें क्या करना होगा, कवर से हमें माइनस करना होगा। ये हमारा कॉन्क्रीट का फेस है, ये हमारा स्टील का फेस है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसे हमें माइनस करना होगा। उसे हम माइनस करते हैं, ये हमारा 25 mm है, 25 mm बोथ साइड से 25 mm यानी कि 25 25 कितना हो गया 50, ये हमारा हो गया। उसके बाद ये जो लेंथ है ये हमें मिल गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ मिल गया। अब हमें ये जो बेंड है उसका लेंथ निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, उसका हमारा फॉर्मूला होता है, एल बेंड का फॉर्मूला हमारा होता है इसे निकालने का, 2/3 इंटू डेप्थ। तो डेप्थ हमारा टोटल कितना है 350, तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2/3 इंटू 350 ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इसमें हमारा दिया हुआ है 233। कितना 233, इसे आप जब करेंगे तो 233 आ जाएगा। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक करके देखते हैं। टू डिवाइडेड बाय थ्री इंटू 350, ठीक है 233.33 आ रहा है। तो हम लोग इसे 233 ले लेंगे अप्रोक्स में। उसके बाद ये आपको समझ में आ गया कि एल बेंड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2/3 इंटू डेप्थ, इससे हमारा 233 आ जाएगा। तो इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये हमारा आ गया। अब इसे ऐड करेंगे दो सर, दो बार क्या होगा, तो प्लस 2 × 233। अब ये हो गया। अब यहाँ पर एक प्रोसेस और लगती है, क्या कि जब हम किसी भी सरिया को बेंड करते हैं तो उसका क्या होता है, इलोंगेशन होता है। इलोंगेशन यानी कि सरिया क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वो कितना बढ़ेगा उसे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तब हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट लेंथ जो होगा वो हमें बेंड करने पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये 90 डिग्री बेंड हो रहा है। क्या हो रहा है, 90 डिग्री बेंड हो रहा है। तो जब भी कोई सरिया 90 डिग्री बेंड करता है तो यहाँ पर हमारा कितना 2D माइनस होता है। कितना 2D, डी का मतलब क्या, डायमीटर। जो सरिया यहाँ पर यूज़ हुआ है वो, अगर ये 12 mm का सरिया है तो यहाँ पर 2 × 12, ठीक है, इतना हमारा माइनस होगा दोनों साइड, एक इधर और एक इस साइड में, ठीक है। तो 2D यानी कि कितना हो गया, ये 12 × 24। तो उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा कितना 12 mm का सरिया है। ये देखिए टॉप बार, टू नंबर्स ऑफ डाया 12 mm। तो दो बेंड है, एक बेंड दो बेंड, यानी कि 2D कितना हो गया 4D। तो माइनस 4 × D हो गया 12, ठीक है। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, इसे माइनस करेंगे 2950 प्लस ये हो गया 466 माइनस 548। ये पूरा कैलकुलेट करने पर हमारा आ जाता है 3368 mm, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से समझें, कटिंग लेंथ, क्योंकि जब तक आप कटिंग लेंथ नहीं समझेंगे तब तक आपका क्या होगा, कोई भी किसी भी चीज़ का आप BVS कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कटिंग लेंथ मेन है हमारा। तो ये हो गया, इसे अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 3.368 meters, ठीक है। ये हो गया हमारा ऊपर का टॉप बार। टॉप बार जैसे निकला उसी प्रकार से हमारा क्या होगा, टॉप बार का कटिंग लेंथ, उसी प्रकार से हमारा बॉटम बार का भी कटिंग लेंथ निकलेगा, सेम टू सेम बॉटम बार का कटिंग लेंथ। इसमें भी हमें सेम करना है, फर्स्ट 3000 माइनस 50 तो 2950 आ जाएगा, प्लस
इसका भी सेम बेंड होगा, ठीक है, क्योंकि डेप्थ क्या है सेम है, तो बेंड भी हमारा सेम आएगा दोनों साइड का 466 माइनस, यहाँ हमारा थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि जो हमारा नीचे का सरिया है वो 16 mm का है, 16 mm का सरिया यानी कि 2/3 जो 16 mm का सरिया है उसके लिए जो बेंड डिडक्शन होगा हमारा यहाँ पे उसके डायमीटर के अकॉर्डिंग होगा, तो डायमीटर 16 है तो 2D यानी कि 2 × 16, जैसे हमें यहाँ पर 12 था तो 2 × 12 किए, तो यहाँ पर 2 × 16 करेंगे, चूँकि दो बेंड है तो 2D यहाँ से बेंड माइनस होगा और 2D यहाँ से माइनस होगा, कितना हो गया 4 × 16, तो 4 × 16 अगर करें तो 64 हो जाता है, 64 इसे हम कैलकुलेट करेंगे। ये कैलकुलेट करने पे हमारा जो आता है वो आता है 3352 यानी कि 3.352 meters, ठीक है, ये हमारा mm में है और ये 3.352 meters। ये हमारा क्या हो गया, टॉप बार और बॉटम बार का कटिंग लेंथ आ गया। अब हम स्टीरअप्स के बारे में जानते हैं, स्टीरअप का कटिंग लेंथ निकालेंगे, ठीक है। पहले स्टीरअप का कटिंग लेंथ निकालने से पहले हम क्या करते हैं, इस जो दोनों चीज़ है इसे हम BBS का जो चार्ट है उसमें बैठाते हैं। आइए देखते हैं BBS का हमारा चार्ट क्या है। ये हमारा BBS का चार्ट है, इसमें मैंने बीम के लिए पहले से बना के रखा है कि एक बीम के लिए करेंगे, तो जिसमें बीम में क्या होता है, एक टॉप बार होगा, बॉटम बार होगा और स्टीरअप होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है, तो वो मैंने लिख के रखा है। अब हम जानते हैं टॉप बार, तो टॉप बार का शेप ऐसे टॉप में आएगा, बॉटम बार का शेप इस तरह से बॉटम बार का शेप बनाए, और स्टीरअप बाद में देखते हैं। ये हो गया, ये हमारा कितना निकला 2950 और ये 233, ठीक है। बॉटम बार में भी सेम है, ये 2950 और ये 233, ओके। अब हम बार का डाया देखते हैं, जो टॉप बार है हमारा वो कितने एमएम का है, 12 mm, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे। जो टॉप है बार है हम सॉरी बॉटम बार है वो हमारा 16 mm का है, यहाँ पर 16 लिखेंगे बार डाया में। उसके बाद कटिंग लेंथ, कटिंग लेंथ जो हमने यहाँ पर निकाला, कटिंग लेंथ ये हमारा टॉप बार का कटिंग लेंथ है 3.36 meters, तो यहाँ पर हम कटिंग लेंथ लिखेंगे टॉप बार का 3.368 meters, क्योंकि कटिंग लेंथ क्या मीटर में लिखना है। इसका क्या है 3.352 हमारा बॉटम बार का कटिंग लेंथ है, तो वो हम वहाँ पर पुट करेंगे। फिर देखेंगे क्या नंबर्स, नंबर्स का मतलब क्या होता है कि जो टॉप बार है वो कितना है। अब कोई भी बीम है तो वो क्या होगा, 4 bars होते हैं उसमें, 4 bars होते हैं और उसमें स्टीरअप्स लगा होता है। फर्स्ट बार क्या होगा टॉप बार और जो होता है नेक्स्ट बॉटम बार, इसे हम लोग फिगर से थोड़ा समझते हैं। ये देखें इस तरह से हमारा बीम होता है, तो 2 top bars होते हैं और 2 bottom bars होते हैं, उसी तरह से यहाँ टॉप बार में नंबर पूछ रहा है कि कितने टॉप बार हैं, तो हमारा कितना है 2 top bars है और बॉटम बार कितना है 2 है, ठीक है। अब क्या है टोटल लेंथ, जो टॉप बार है वो दोनों का टोटल लेंथ कितना है, फर्स्ट का हमारा एक का कटिंग लेंथ हमारा ये निकला, तो दोनों का क्या करने का होगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों का टोटल लेंथ हमारा आ जाएगा। दोनों का जो हमारा टोटल लेंथ है वो हमारा कितना है, ऐड कर ले सॉरी मल्टीप्लाई कर ले उसे, तो आ जाएगा 6.736। ये दोनों को मल्टीप्लाई करें 6.736 टोटल हमारा लेंथ आ जाएगा टॉप बार का। अब बॉटम बार का देखते हैं 6.704 आ जाएगा, क्या होगा सिर्फ ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, कटिंग लेंथ इंटू जितना नंबर्स ऑफ है वो मल्टीप्लाई कर दिए। अब यूनिट वेट की बात आती है, तो 12 है, 12 mm का हमारा यूनिट वेट कितना होता है 0.888 और 16 mm का 1.45 कितना होता है 1.58, ठीक है। ये हमारा आता कैसे है वो भी देख लें, 12 mm का जब हम यूनिट वेट निकालेंगे तो वो क्या होता है फॉर्मूला होता है हमारा d² / 162,
डी स्क्वायर बाई 162। जब इस पर आप करेंगे 12 का स्क्वायर बाई 162 तो आपका 0.888 आएगा। क्या आएगा? 0.888 फर्स्ट के लिए, एक मीटर के लिए। तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना हो गया, 12 एमएम का यूनिट वेट इतना है। तो टोटल जो लेंथ है हमारा, टोटल लेंथ, टोटल यूनिट वेट क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है, ये हमारा एक मीटर के लिए होता है। कितना? एक मीटर के लिए केजी पर मीटर, केजी पर मीटर। यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, केजी पर मीटर। ये क्या होता है, एक मीटर में हमारा कितना वेट होगा वो हमें यूनिट वेट बताता है। ठीक है, तो 12 मीटर का एक मीटर में हमारा इतना आएगा, तो हमें देखना है कि 6.736 मीटर में कितना आएगा। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा टोटल आ जाएगा और वो होगा 5.981 इतना केजी। क्या होगा? इतना केजी हमारा जो सरिया होगा वो यूज होगा सिर्फ टॉप बार का। अगर टॉप बार का दो बार हम लोग यूज करते हैं 12 एमएम का, तो उसका जो वेट होगा वो 5.981 होगा। और जब 16 एमएम का जो है उसका वेट हमारा हो जाएगा 10.592 ठीक है। क्या हो ये हमारा टोटल लेंथ इंटू यूनिट वेट, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल वेट ऑफ स्टील आ जाएगा। जब हम टॉप बार 12 एमएम का यूज करेंगे दो सरिया, तो कितना 5.98 केजी यूज हो रहा है। और जब बॉटम बार हम यूज करेंगे 16 एमएम का दो सरिया, तो वो हमारा 10.59 केजी आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, क्या इसमें कैलकुलेट होता है, टू कैलकुलेट एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ स्टील। तो बॉटम बार टॉप बार दोनों का स्टील हमें इससे पता चल जाएगा जब दोनों को ऐड कर देंगे तो, कि टोटल में कितना लग रहा है। और क्या बताया मैंने, वेस्टेज, वेस्टेज इससे क्या होगा कि जब कटिंग लेंथ सही आएगी तो वेस्टेज भी कम होगा। तो इससे हमारा कटिंग लेंथ भी पता चल गया, जब कैलकुलेट करने के बाद हमारा ये कटिंग लेंथ आ गया टॉप बार और बॉटम बार का सिंगल सिंगल, फिर मल्टीप्लाई किया। अब हम जानेंगे स्टीरअप्स के बारे में कि स्टीरअप्स का कटिंग लेंथ और उसको कैसे पुट करेंगे। स्टीरअप्स का यहाँ पर मैं फिगर बना देता हूँ। स्टीरअप्स, ये हमारा स्टीरअप्स है, रेक्टेंगुलर स्टीरअप्स। डाया ऑफ बार इसका 8 mm है और कटिंग लेंथ देखते हैं कितना आता है। चलिए अब स्टीरअप्स के बाद, तो स्टीरअप्स का हमारा जो डिटेल्स है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये हमारा कॉन्क्रीट है पूरा, अंदर में स्टीरअप्स है। इसका जो हमारा कवर होगा सेम कितना 25 mm कवर है। इसमें क्या है, सेम उसका जो टॉप बार 12 mm का और बॉटम बार 16 mm का। जो हमारा स्टीरअप्स होगा बीम में वो क्या होगा, सेंटर टू सेंटर 200 होगा। क्या होगा? सेंटर टू सेंटर 200 पर होगा, जो 8 mm का बनेगा। जो स्टीरअप्स हमारा 8 mm का है, ओके। इसका जो ये वाला डिस्टेंस है वो सेम बीम